क्या खास वजह है इस फिल्म में आपको लगता है कि आप आज यहाँ पे पीछे चले आए? मनोज शामलन की फिल्में काफ़ी सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, अनोखे होते हैं, ट्रीटमेंट अलग होती है, देखने में अच्छा लगता है। और पहली फिल्म से लेके उन्होंने जितनी फिल्में बनाई हैं सब देखी है मैंने। मैं समझता हूँ ये देखने में इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पता चला था कि इसमें दो स्टूडियोज की लड़ाई हो गई थी, तो देखा जाए कि ऐसी क्या बात है इसमें जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो आपको क्या लगता है क्या खास वजह हो बात हो सकती इस फिल्म में, क्योंकि पोस्टर काफ़ी बहुत ही अच्छा पोस्टर लग रहा है, काफ़ी कैची पोस्टर लग रहा है। हाँ मैं समझता हूँ सब्जेक्ट ये कुछ अलग ही है और इतनी छोटी सी सब्जेक्ट छोटी सी लाइन के ऊपर पूरी फिल्म बनाना, तो इट्स डेफिनेटली एन ऑसम जॉब फॉर अ डायरेक्टर। सो आई जस्ट वांट टू सी। और इस सवाल जो है कि हाउ पैशनेट यू आर अबाउट फिल्म? वेल आई एम ब्रीदिंग लिविंग एवरीथिंग फिल्म, सो व्हाट एल्स कैन आई से। कोई ऐसा फैन आपको याद है कि आप जब एक्ट कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म, तो कोई फैन ऐसा फैन फॉलोइंग कोई याद है आपको? जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है इंडिया में फर्स्ट टाइम। नो आइडिया व्हाट इज दैट ट्रॉफी? क्रिकेट तो इन जनरल क्रिकेट बिल्कुल जीरो में है तो यही तो चाहिए। चलो पूछ लो। रोल प्रतिभा आपको क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है? बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल औरंगजेब हूँ क्रिकेट के लिए, आई हैव नो आइडिया। तो कौन सा क्रिकेटर फिर भी आपको कौन सा क्रिकेटर लगता है कि काफ़ी अच्छा खेल लेता है? तेंदुलकर को कभी कभी देखा है मैंने, आई थिंक इज ब्रिलियंट, और पहले देखता था गावस्कर, सनी वॉज ब्रिलियंट। सो आई गेस डोंट आस्क मी टू एनी क्वेश्चन अबाउट क्रिकेट, आई एम एब्सोल्युटली ज़ीरो अबाउट इट।